प्रेरितों के कामों का वर्णन अध्याय एक। हे थियुफिलिस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ में की और करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब वो उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों में छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। तब वे जैतून नाम के पहाड़ से, जो यरूशलेम के निकट एक सप्त के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। जब वहां पहुंचे तो वे उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना, याकूब और अंद्रियास, फिलिपुस और थोमा, बर्तुलमाई और मत्ती, हलफाई का पुत्र याकूब, शमोन, जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। और उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में, जो 100 व्यक्ति के लगभग इकट्ठे थे, खड़ा होकर कहने लगा, हे भाइयो, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वो लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु को पकड़ने वालों का अगवा था, पहले से कही थी, क्योंकि वो तो हम में गिना गया और इस सेवाकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अतड़ियां निकल पड़ी, और इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहां तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हकलदमा अर्थात लोहू का खेत पड़ गया, क्योंकि भजन संहिता में लिखा है कि उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई न बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात योहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक, जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। तब उन्होंने दो को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है, जिसका उपनाम युस्तुस है, दूसरा मत्तित्याह को, और ये कहकर प्रार्थना की, हे प्रभु, तू जो सबके मन जानता है, ये प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है,
कि वो इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को गया है। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मत्तित्याह के नाम पर निकली, सो वो उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया।